क्या बनाया जा रहा है बलवान मूवी का सीक्वल, कैसी होगी नई कहानी, कौन होगा इस बार लीड स्टार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 90s के एक्टर्स की बात करें तो सुनील शेट्टी का नाम एक ऐसे एक्टर के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने अपनी फिजिक पर खास ध्यान दिया था। सुनील शेट्टी ने अपने डेब्यू से पहले ही अपनी बॉडी पर काफी काम किया था जिसका फायदा उन्हें बॉक्स ऑफिस पर मिला। कर्नाटक के मुल्की में 11 अगस्त 1961 में जन्मे सुनील शेट्टी एक्टर होने के साथ साथ आज एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। बलवान शेट्टी की डेब्यू फिल्म थी जो लोगों को आज तक याद है और इस फिल्म का निर्देशन दीपक आनंद ने किया था। फिल्म में सुनील के अपोजिट लीड एक्ट्रेस दिव्या भारती थी। इसके अलावा मुख्य खलनायक की भूमिका में डैनी डोनजप्पा थे। उनके बारे में बात करें तो उनकी तीखी नजरों से ही हर कोई डर जाता है। उनकी एक्टिंग का लेवल कुछ अलग ही था। आपको क्या लगता है अभी सीक्वल में टक्कर देने के लिए एक विलन के रूप में किस एक्टर को कास्ट करना चाहिए? वहीं आपको बता दे कि आज पूरे 30 साल बाद इसकी जानकारी मिली है कि इस फिल्म का सीक्वल भी बनाने जा रहे हैं। ओरिजिनल फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इस फिल्म में सुनील शेट्टी और दिव्या भारती और डैनी डेंजप्पा के अलावा तीनू आनंद, नीना गुप्ता और अवतार गिल जैसे कई दिग्गज कलाकार दिखाई दिए थे। फिल्म की नई कास्ट के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि पार्ट टू में भी सुनील शेट्टी वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स निभाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और होगा जिसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। इतना ही नहीं, सुनने में आ रहा है कि सुनील शेट्टी के अपोजिट काजल अग्रवाल को किया जा सकता है कास्ट। काजल अग्रवाल साउथ की बहुत ही पॉपुलर हीरोइन है। वहीं विलेन के रूप में KGF चैप्टर 2 के अधीरा यानी कि संजय दत्त का नाम सामने आ रहा है। वैसे तो सुनील शेट्टी 60 के हो गए हैं, लेकिन आज भी किसी न्यू एज हीरो को टक्कर देने को तैयार हैं, क्योंकि सुनील अभी भी काफी फिट, डैशिंग और हैंडसम है। अरे और तो और वो फिटनेस ब्रांड्स को भी एंडोर्स करते हैं, और इतनी फिटनेस के बाद सुनील एक बार फिर से फिल्म में जरूर कड़क पुलिस वाले के रूप में नजर आ सकते हैं, जो ओरिजिनल फिल्म के साथ एक कनेक्शन बिठाएगा। वहीं इस बार बलवान के सीक्वल साजिद नाडियाडवाला बनाना चाहते हैं अपनी पहली पत्नी दिव्या भारती को समर्पित करते हुए। कहा तो जा रहा है कि इस बार सीक्वल में सुनील शेट्टी को अपनी पूरी कहानी से मिलता जुलता केस मिलेगा हैंडल करने के लिए। जो उन पर जुल्म हुआ वही अब नए हीरो के परिवार के साथ होगा। तो क्या एक मासूम परिवार को जस्टिस दिला पाएंगे सुनील इस बार? इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।